तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपनी बोया की माइक, ये वाली माइक जो है वो अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बोया की ये माइक M1, चाहे कोई सी भी माइक हो बोया की, वो हम अपने लैपटॉप या पीसी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल इजी स्टेप्स में। चाहे आप यूट्यूबर हो या फिर किसी और चीज के लिए, अगर आपको अपनी साउंड रिकॉर्ड करनी हो तो मैं आपको बताऊंगा ये बोया की M1 माइक हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, माय नेम इज वसीम रियाज, यू आर वाचिंग टेक्नो सीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वाली बोया M1 माइक को कनेक्ट करने के लिए हमें अपने पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3.5mm जैक को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या पीसी में। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने अपनी ये जो बोया की माइक M1 है इसे कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप के साथ। तो दूसरे स्टेप में आपको ये वाला जो स्विच है वो स्मार्टफोन पे रख देना है, एंड देन हमें अपने लैपटॉप पे क्रोम ब्राउजर खोलना है। तो हमें सिंपली अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना है Audacity को। तो Audacity हमें डाउनलोड करना है, हमें सिंपली लिखना है Audacity क्रोम में और उसे डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज है, आपको जस्ट इसे डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर ली, तो मैं आपको सीधे सिंपली बताता हूँ इसके बाद हमें क्या करना। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना Audacity सॉफ्टवेयर खोलना है अपने लैपटॉप या पीसी में, और जो माइक है उसे आपको लगा देना है अपने कॉलर पे, एंड देन ऑडियो सेटअप पे क्लिक करना है। उसके बाद होस्ट पे, यहाँ पे आपको देखना है विंडोज डायरेक्ट साउंड एनेबल होना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस पे क्लिक करके आपको माइक्रोफोन रखना है, या प्राइमरी साउंड कैप्चर ड्राइवर या फिर माइक्रोफोन रखना है, दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं आप, जो आप कमेंट करें, एंड वी आर गुड टू गो। देन सिंपली आपको यहाँ पर रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है और आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी बोया की M1 माइक से। अभी जो ये ऑडियो आप सुन रहे हैं ये बोया M1 माइक से है, डायरेक्टली मैं लैपटॉप से कनेक्ट की है और बहुत ही अच्छे से ये ऑडियो साउंड मेरी रिकॉर्ड कर रहा है। तो सिंपली उसके बाद आपको स्टॉप करना है और आपका साउंड बिल्कुल रेडी होगा। साउंड रिकॉर्ड होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और डेफिनेटली यहाँ पे आप एक चीज़ को ज़रूरी ध्यान में रखना है कि आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट एज WAV फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है। बस यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है आपको, और आपकी फाइल को सेव करना है जहाँ भी आप सेव करना चाहो। तो आपकी फाइल सेव हो चुकी है। होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।